अच्छा, जो लोग पॉलिटेक्निक करने जा रहे हैं उनमें सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न उनके माइंडसेट में क्या होता है? सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न उनके दिमाग में ये होता है कि पॉलिटेक्निक में जो ट्रेड है ना, कौन सा ट्रेड सबसे बेस्ट है। अभी हम दो ट्रेडों के बारे में बात करेंगे। पहला ट्रेड है कंप्यूटर साइंस और दूसरा है सिविल इंजीनियरिंग। इन दोनों ट्रेड के बारे में इसलिए बात करना चाहिए क्योंकि ये दोनों ट्रेड अपने अपने टाइम के बादशाह हैं और दोनों ट्रेड की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक अड्डा चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम धर्म है और पहली बार आप चैनल पर आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हर वीडियो को प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। बात करते हैं कि पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस और पॉलिटेक्निक सिविल में क्या बेस्ट है। दोनों बड़ी धुरंधर ब्रांच है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे, सर सिविल पे तो जॉब ही नहीं लग रही है, आप कैसे सिविल को धुरंधर बोल रहे हैं? भाई, 3-4 साल से मैं मान रहा हूँ सिविल की मार्केट खराब थी, लेकिन अभी मार्केट हो गई है सुधर, ठीक है। तो अब अपना कमर कस के आप तैयार हो जाओ और मार्केट में आपके लिए जॉब ओपन होना शुरू हो गया है। अब ये आपकी गलती होगी कि आप वहाँ तक पहुँच नहीं रहे हैं, आपको पहुँचना पड़ेगा। जब आप पहुँचना शुरू कर दोगे तो ऑब्वियसली आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का एक ऐसा ट्रेड जिसने अद्भुत करिश्मा करके दिखा दिया, जो शायद दुनिया में कोई ब्रांच नहीं कर पाई, कंप्यूटर साइंस ने वो करके दिखा दिया। कंप्यूटर साइंस एक ऐसा ट्रेड जिसमें करोड़ों की पैकेज IIT में जाने लगी, जिसने मतलब इंजीनियरिंग ट्रेड को छोड़ दिया। उसने बोला कि BA की और कंप्यूटर साइंस से प्रोग्रामिंग जानते हो तो हम आपको जॉब देंगे, हम आपको करोड़ों की पैकेज देंगे। तो वही मैटर आता है कि जो लोग पॉलिटेक्निक कर रहे हो कंप्यूटर साइंस से, प्रोग्रामिंग सीखिए। प्रोग्रामिंग की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। चाहे अभी देखिए, प्रोग्रामिंग में करंट टाइम में मैं एक चीज़ आप लोगों को हिंट दे देता हूँ, पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है, पाइथन लैंग्वेज सीखिए। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ई कॉमर्स की या फिर सॉफ्टवेयर लाइन की, उन कंपनियों में जॉब पा सकते हो क्योंकि पाइथन एक बहुत स्ट्रांग लैंग्वेज है। और जहाँ पे इंक्रिप्शन होता है, जहाँ पे ब्रेकडाउन होता है, जहाँ पे डेटा चोरी हो जाता है, वहाँ पे पाइथन जैसी लैंग्वेज का यूज होकर के उसको बचाया जाता है, ठीक है। डॉटनेट और जावा तो है ही है, डॉटनेट और जावा में थोड़ी जॉब कम है, ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पाइथन की तरफ आप जाइए। दूसरा ये है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अगर आप सही से कर लोगे तो पैसा बहुत कमा सकते हो, लिमिटलेस पैसा है। मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप पैसा नहीं कमा सकते हो डिप्लोमा के बाद। तो लेकिन आपको अपग्रेड भी उसी अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। इसमें आपको जब आप कंप्यूटर साइंस से हो ना तो अपनी अंग्रेजी भी सही कर लो, जितनी अच्छी इंग्लिश रहेगी उतना अच्छा आपको सैलरी पैकेज मिलेगा। और कंप्यूटर साइंस में हो थोड़ी पर्सनैलिटी पे भी काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही कर दिया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी काम करना पड़ेगा। जब आप इन सारी चीज़ों पर आप काम करोगे ना तो ऑब्वियसली धीरे धीरे आप आगे चलते जाओगे। अब बात आते हैं सिविल इंजीनियरिंग की। देखो, सिविल की मार्केट पिछले कुछ टाइम से डाउन है, हम सब लोग जान रहे हैं। कोरोना, नोटबंदी, कोरोना, ये सारी चीज़ें जब तक आई पिछले 5-7 सालों में, सिविल की मार्केट में बड़ी उथल पुथल रही। कभी ग्राफ चढ़ा, कभी बहुत गिर गया, कभी ख़त्म होने के कगार पे पहुंचा दिया। लेकिन अब धीरे धीरे मार्केट फिर से रीओपन होने लगी है और सिविल का ग्राफ ऊपर जाने लगा है। तो इट्स अप टू यू गाइज कि आप उसको किस तरह हैंडल करते हो। और सिविल, देखो सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसी इंजीनियरिंग है, अगर आपने सही से कर लिया और सही बंदे के अंदर में ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है। सिविल में बिना ट्रेनिंग, बिना जिसको आप लोग अप्रेंटिस बोलते हो ना, सिविल में मैं जॉब नहीं मानता हूँ। 1 साल अगर कोई किसी के अंडर में जब तक काम नहीं करता ना, उसको जीरो नॉलेज है सिविल की, क्योंकि बिना किसी के अंडर में काम किए एक सिविल इंजीनियर नहीं बन सकता। गाइस, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, इसलिए जो लोग सिविल इंजीनियरिंग की सोच रहे हैं वो पहले सिविल इंजीनियरिंग करें, किसी के अंडर में काम करें, फिर वहाँ से उनका करियर ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, पैसे भी अच्छा कमा लोगे। दोनों ब्रांचों में अगर कंपेयर किया जाए, सिविल एंड कंप्यूटर साइंस में, दोनों ब्रांच अपनी जगह बेस्ट है, औसम है। दोनों में डिपेंड करता है कि आप किस में इंटरेस्ट हैं। इंटरेस्ट बहुत बड़ा फैक्टर है ब्रांच को लेकर के। अगर आप इंटरेस्टेड कंप्यूटर साइंस में हैं तो CS की तरफ जाइए, अगर आप इंटरेस्टेड सिविल इंजीनियरिंग की तरफ है तो सिविल में जाइए। दोनों में स्कोप कम नहीं है, मैं क्लियरली मेंशन कर देना चाह रहा हूँ। लेकिन हाँ, दोनों खतरों के खिलाड़ी हैं। सही से नहीं पढ़ोगे तो जॉब नहीं मिलेगी, मैं बता रहा हूँ। सिविल में भी वही है और कंप्यूटर साइंस में भी वही है। अभी आप देख सकते हो कंप्यूटर साइंस में कितनी बेरोजगारी आ रही है, अमेरिका जैसी कंट्री सफ़र कर रही है कंप्यूटर साइंस को लेकर के। तो जितना ज़्यादा चीज़ें उसी तरह से प्रॉब्लम भी है, तो उसका सॉल्यूशन एग्जैक्ट आपको ढूंढना पड़ेगा, तभी जाकर के आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।